तो मेरे पास आया हुआ है होंडा एक्टिवा। होंडा एक्टिवा में क्या हो रहा है, किक जब मारते हो तो नीचे ही रह जाता है, इसे ऊपर नहीं आता है। तो ऐसे प्रॉब्लम कोई भी स्कूटर में आ सकता है। स्कूटर मतलब जो स्कीडर वाली गाड़ी होती है, सुजुकी एसएस है, मैस्ट्रो है, स्कूटी पेप है, जुपिटर है और यामाहा की गाड़ी है, ये सब जब नया गाड़ी आता है तो कीक मार के कोई देखता नहीं है, सेल मार के यूज़ करते हैं। जब बैटरी डाउन हो जाता है या बैटरी ख़राब हो जाता है तो तब कीक का इस्तेमाल करते हैं, तो मालूम पड़ा कि कीक मारने के बाद रिटर्न नहीं आता है। अगर ऐसे प्रॉब्लम आया तो आप जल्द से जल्द उसको कोई भी मैकेनिक के पास ले जा के उसको काम करा लेना चाहिए, नहीं तो आगे जाके थोड़ा काम रहता है, आगे जाके ज़्यादा काम होता है। नया आप शोरूम के लिए, शोरूम वाला भी काम नहीं करता है, मैकेनिक के पास जाओगे सर्विस दोगे तो मैकेनिक भी नहीं काम करता है, वो काम का एक्स्ट्रा चार्ज जैसे अलग चार्ज होता है। अभी सबका मैकेनिक जो चार्ज होता है वो अलग है, कोई 150 लेता है, कोई 100 लेता है, कोई 200 लेता है, उसका जो चार्जेस होता है सब मैकेनिक का अलग अलग चार्जेस होता है। अगर आपके पास पाना है, आपके पास औजार है तो आप खुद खोल के अपने घर पे बना सकते हो, नहीं तो मैकेनिक के पास जाना है तो मैकेनिक चार्ज जो होता है वो अलग लेता है, अलग सबका अलग अलग चार्ज है। अभी आपको दिखा दे रहा हूँ, पहले मैं आपको ये है, आपको दिख रहा होगा होंडा एक्टिवा BS6 गाड़ी है। अभी इसको हम कीक मारते, एक कीक मारने के बाद देख लीजिए क्या हुआ है, कीक रिटर्न, ये देख लीजिए कीक रिटर्न नहीं आ रहा है। जब ऐसे प्रॉब्लम होता है क्या होता है, जब नया गाड़ी शोरूम से आता है तो शोरूम वाले या एजेंसी वाले बड़े तो उसमें कैसे है, इसमें ग्रीसिंग अंदर नहीं किया होता है, इसमें ऑयल नहीं आता है, इसमें आप सोचोगे कि डब्बे के अंदर पूरा ऑयल इसके अंदर भरा हुआ रहता है, ऑयल नहीं आता है, सूखा रहता है। तो इसको आपको कोई भी मैकेनिक पास या शोरूम में आप गाड़ी दे रहे हो सर्विस सेंटर में नया गाड़ी, तो इसको खोलने के लिए वो कंपनी वाला खोलते नहीं सर्विस में, तो कोई दूसरा भी मैकेनिक नहीं खोलता है। सर इसका खोलने का जो वापस रिपीट कर रहा हूँ, इसका खोलने का जो चार्जेस होता है वो अलग होता है। अगर आप अपने घर पे खोल रहे हो तो उसके लिए आपको पाना चाहिए, औजार आपके पास है तो खोल सकते हो। इसमें कौन से पाना लगता है मैं आपको वो बता रहा हूँ, इसमें 8 नंबर का हम लोग पास जिसको हम लोग बोलते हैं टी पाना, वो टी पाना से हम लोग ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद फिर आपको दिखाता हूँ कि कैसे किक क्यों रिटर्न नहीं आता, इसका वजह क्या होता है। ये हमने पूरा कवर ओपन कर लिया, इसका बोल्ट भी निकाल चुके हुआ है, टोटल 10 बोल्ट इसमें कवर में आता है, टोटल 10, यहाँ भी एक बोल्ट आता है, अभी हमने नहीं निकाले हुए, हाथ में 9 बोल्ट है, तो 10 के 10 पूरा ओपन करना पड़ता है। ओपन करने के बाद ये जो कवर होता है तभी बाहर आता है। वापस दोस्तों मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, मैंने आपको टोटल इसमें 10 बोल्ट बताया था, 10 इसमें, क्योंकि एक बोल्ट था नहीं, यहाँ जो होता है एक बोल्ट यहाँ नहीं था, तो हमने पूरा टोटल आपको 10 बताया था। अगर आपने पूरा रखा, अगर बोल्ट इसको डालने जा रहे हो तो आपको 11 बोल्ट गिन के रखना चाहिए, 11 टोटल 11, इसमें टोटल 11 गिन के आप खोलना चाहिए। तो खोलने के बाद आपको ये देख लीजिए, ये रिटर्न आ जाता है। आपको मैं कवर दिखा रहा हूँ, देखो कवर के अंदर कहीं भी ऑयल या ग्रीस कहीं भी लगा हुआ नहीं है। तो इसको जो होता है इसको निकालने के लिए आपको जो कीक होता है, कीक थोड़ा से आपको जैसे मारना पड़ता तभी ऊपर आता है, नहीं तो ऊपर नहीं आता था। आप इसको घसीटोगे, देखो ताकत से भी कितना भी ताकत से तो बाहर को आपको नहीं आएगा। तो कीक को क्या करना चाहिए, हल्का से इसको थोड़ा मारोगे तो आस्ते आस्ते ऊपर आता है, वो भी दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। क्योंकि कोई नया बंदा रहता है तो उसको बराबर परफेक्ट पता नहीं रहता है कि कैसे निकाला जाता है, नहीं पकड़ से ऐसे घसीटेंगे ताकत से तभी भी बाहर नहीं आता है। देख लीजिए कितना भी ताकत से करोगे तो इसको जैसे कीक मारोगे आस्ते आस्ते तो ये बाहर आता रहता है। ये देखिए आपको एक बार और दिखा दो, देखिए कीक मार रहा हूँ तो बाहर आ रहा है, देखिए ये देखिए इसी तरीके इसको बाहर निकाल लेना चाहिए। ये देखिए हमने इसको बाहर निकाल चुके हुए, बाहर निकाल के अभी इसमें देखो ज़रा सी भी ग्रीस या ऑयल इसमें ज़रा सी भी नहीं है। ये देख लीजिए पूरा अंदर से पूरा सूखा है, गिल्ला भी नहीं है। तो इसको अच्छे से इसको ग्रीसिंग करना चाहिए,
ग्रीस करके फिर इसको अंदर फिटिंग करना चाहिए। तो इसका जो किक का जो रिटर्न नहीं आता उसका 100% ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये हमने ग्रीस देखो नया ग्रीस, आप सोचो कि काला कलर का साथ में ग्रीस लगा चुके हुए हम, काला कलर का जो ब्लैक कलर का ग्रीस है ये भी ग्रीस आता है, इसको हम लोग बोलते बैरिंग ग्रीस। तो एक ग्रीस देखिए हमने यूज़ कर लिया, इसका जो पोजीशन होता है आप कभी भी देख लीजिए, इसका जो स्प्रिंग का इधर लॉक है इसका पोजीशन आपको फिटिंग करना है तो इसका पोजीशन ऐसे फिटिंग करना है, देख लीजिए ऐसे, ये देखिए इस तरीके। अब इसको आप जोर से दबाओगे रिटर्न इसमें जाएगा नहीं, तो इसको थोड़ा हल्का से कीक को आगे पीछे करना चाहिए, देखिए अंदर अपने आप ये थोड़ा से चले जाए, इसको पकड़ना पड़ता है। आप सोचोगे ऐसे हाथ से ऐसे दबाऊंगा चले जाएंगा, ऐसे नहीं जाता है, इसको थोड़ा करना पड़ता है। इसको लॉक को बैठाने का जो होता है लॉक यहाँ बैठता है होल में, देख लीजिए। अब इसको हम बैठा देते हैं, ये देखिए यहाँ से पूरा बैठ चुका हुआ। अब इसको हम कवर में ऐसे दो बोल्ट पे आपको लगा के कीक मार के दिखाते हैं, इसका जो इसका रिटर्न नहीं आता है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका। कभी बाई चांस आप नहीं कराते तो इस पर क्या होता है, ये जो कीक रहती है छोटा वाला ये बड़ा वाला अंदर का, कभी कभी दोनों ख़राब हो जाता है तो आपको दोनों ही चेंज करना पड़ेगा। तो इसको जल्द से जल्द आप ग्रीसिंग इसको ग्रीसिंग करा लेना चाहिए। ग्रीसिंग कराओगे तो आपकी गाड़ी के अंदर जो कीक होता है कीक का प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपको नया भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने नहीं डाले नहीं ग्रीसिंग कराया तो इसमें आपको नया भी डालना, कभी कभी क्या जोर से जब ताकत से कीक मारते मारने के बाद टूट जाता है, क्रैक हो जाता है कहीं से, उसका जो थ्रेड होता है चूड़ी होता है वो ख़राब हो जाता है, तो उसके लिए आपको नया डालना पड़ेगा। अभी इसको हम फिटिंग कर देते हैं। अभी हमने देखिए पूरा जो कवर होता है हमने यहाँ से कवर फिटिंग, अभी इसको आपको हाथ से कीक मार के खाली आपको दिखा रहा हूँ, हाथ से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ मैं। ये देखिए यहाँ तक नीचे तक देखो पूरा आ गया, पोजिशन देख लीजिए नीचे तक पूरा आ गया। अब इसको हम छोड़ दे रहे हैं, ये देखिए रिटर्न गया, वहाँ पर एक बार दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देखिए हमने यहाँ से पूरा मारे, अब मारने के बाद ये देखिए कि पूरा बेंड है यहाँ से पूरा, देख लीजिए। अब इसको हम वापस देखो छोड़ रहा हूँ, देख लीजिए ये पूरा रिटर्न गया यहाँ से कि। तो इसका जो प्रॉब्लम होता है इसमें ग्रीसिंग नहीं रहता है, तो इसलिए गाड़ी के अंदर जो कीक होता है कीक मारने के बाद रिटर्न नहीं आता है। आप सोचोगे कि मैं एक ही वीडियो में दो तीन बार रिपीट कर देता हूं मैं, ऐसे क्या होता है कि किसी को एक बार में समझ में आ जाता है किसी को नहीं आता, इसलिए मैं वीडियो में दो तीन बार रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि कोई भी बंदा अच्छे से समझ जाना चाहिए कि हमारे वीडियो थ्रू से बहुत ईजी से इसको ओपन करके काम कर सकता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल कर घंटी दबाओगे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा बहुत इजी से आपके पास पहुँच जाएगा। कोई भी स्कूटर है तो आप इसी तरीका खोल के इसको अच्छे से ग्रीसिंग कर दोगे, ग्रीसिंग करने के बाद आपकी गाड़ी का जो कीक रेक्सी होता है छोटा बड़ा दोनों बच जाएगा और आपकी कीक रिटर्न बराबर पर फिट जाएगा। वहाँ पर एक बार रिपीट करो, चार्जेस सब मैकेनिक का अलग अलग होता है।